कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के जरी में हुए कार विस्फोट मामले में एनआईए, आईबी और एनएसजी के विशेषज्ञों की जांच पड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। जांच के दूसरे दिन एजेंसियों के विशेषज्ञों ने घटनास्थल से दर्जनों सैंपल जुटाए और 20 लोगों से पूछताछ की। कुल्लू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने कहा कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच भी कर रही है, साथ ही मणिकर्ण घाटी के सभी होटलों में ठहरे पर्यटकों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने जल्द ही इस मामले में इसकी तह तक पहुंच जाने का दावा किया। इसमें जो है पुलिस जो है हर पहलू को ध्यान में रखकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और केंद्रीय एजेंसियां जिनमें आईबी, एनएसजी, एनआईए की टीम्स भी आई हैं, पिछले कल आई थी, उन्होंने भी स्पॉट इंस्पेक्शन किया, आज भी वो हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल रही हैं और इसके अलावा जो लोग हैं आसपास के उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर के भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो हर पहलू को ध्यान में रखकर के पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस बीच स्थानीय लोग इस विस्फोट के बाद सहमे हुए हैं और घटना की त्वरित तथा निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। 30 तारीख को कोई 9 बजे के करीब जब हम घर के अंदर आग सेक रहे थे तंदूर के पास खाना खाने के बाद, तो उतने में एक जोरदार धमाका हो गया। हमने ये सोचा कि हमारा घर टूट गया, इतना जोर का धमाका हुआ और ये बहुत दूर दूर तक धमाका सुनाई दिया गया और पूरा जरी, पूरा अपना मतोड़ा वगैरह, पूरा चौकी वगैरह हिल गया इससे और पूरे लोग सहमे हुए। हम इसकी जांच जो पूरे निष्पक्ष ढंग से चाहते हैं।